और अगली बड़ी खबर गुजरात से, जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर गुजरात में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल राजकोट में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जैसे सरकारी स्कूल हर जगह नहीं है, आदमी अपने बच्चों को पेट काट के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। दिल्ली के अंदर हमने पिछले 7 साल से प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, एक नए पैसे की फीस नहीं बढ़ाने दी। जिस जिस स्कूल ने फीस बढ़ाने की हिम्मत करी, उस स्कूल को सरकार ने टेक ओवर कर लिया। मैं पूछता हूं कि अगर दिल्ली के अंदर हम प्राइवेट स्कूलों को ठीक कर सकते हैं तो 27 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती क्या? कर तो सकती थी, मिले हुए इनके साथ, मिले हुए कि नहीं मिले हुए? मिले हुए इनके साथ। भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी है, अमीरों के लिए बड़े बड़े स्कूल बना देंगे, महंगे महंगे स्कूल बना देंगे, शानदार स्कूल बना देंगे। मैं सीआर पाटिल जी से पूछना चाहता हूं, 27 साल में आपने गरीबों के लिए कितने स्कूल बनाए? मैं सीआर पाटिल जी से पूछना चाहता हूं, अपने आम आदमी और मिडिल क्लास वालों के लिए कितने स्कूल बनाए? स्कूल बंद करते जा रहे हैं, गरीबों के स्कूल बंद करते जा रहे हैं। कितने स्कूल बंद कर दिए इन्होंने? 6000 स्कूल बंद कर दिए इन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में। गरीबों के स्कूल बंद करते जा रहे हो, अमीरों के स्कूल खुलते जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, सीआर पाटिल जी कह रहे थे केजरीवाल ठग है। सुना आपने एक भाषण में के बोले, एक दिल्ली से महा ठग आता है, केजरीवाल ठग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं ठग हूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई ठग सरकारी स्कूल ठीक करता है? कोई ठग बच्चों की शिक्षा की बात करता है? कोई ठग लोगों के अस्पताल की बात करता है? कोई ठग लोगों को अच्छी शिक्षा देने की बात? मैं आपको ठग नजर आता हूं? मैं आपसे पूछे, जो जो जिन जिन लोगों को लगता है केजरीवाल ठग है, हाथ खड़े करें। जिन जिन लोगों को लगता है सीआर पाटिल ठग है, हाथ खड़े करें। ये कैमरे वाले जरा दिखा दें, जरा मोड़ दें कैमरे वाले और दिखा दें कि सीआर पाटिल के बारे में गुजरात की जनता क्या सोचती है। जिन जिन लोगों को लगता है कि सीआर पाटिल ठग है, हाथ खड़े करें जोर से। कैमरे वाले, मुझे पता है आप दिखा नहीं पाओगे, आपका टीवी चैनल बंद करा देंगे वो, लेकिन फिर भी एक बारी रिकॉर्डिंग तो कर ही लो। ABP News आपको रखे आगे।